बॉलीवुड के प्रसिद्ध डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के नए प्रोजेक्ट्स की चर्चा पिछले 6 महीनों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रही है। संजय के इस प्रोजेक्ट ने खूब हेडलाइन भी बनाई हुई है। इस प्रोजेक्ट का नाम है वेजू बावरा। भंसाली प्रोडक्शन ये ऐलान कर चुका है कि दारू बावरा भी इस साल रिलीज होगी। इसी फिल्म के लिए अजय देवगन, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह समेत कई एक्टर्स के नाम सामने आए, लेकिन अब तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि फिल्म का हीरो कौन होगा, कौन निभाएगा वेजू बावरा का किरदार। फिल्म के बारे में खबर आ रही है कि रणवीर सिंह फिल्म में वेजू बावरा का किरदार निभाएंगे। इस बार उनके साथ आलिया भट्ट भी काम करेंगी। इन दोनों की जोड़ी पहली बार फिल्म गली बॉय में साथ नजर आई थी और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक गली बॉय की जोड़ी संजय के नए प्रोजेक्ट वेजू बावरा में लीड किरदार में दिखेंगे। ये फिल्म 1952 में आई फिल्म का रीमेक होगी, जिसमें मीना कुमारी और भारत भूषण की हिट जोड़ी नजर आई थी। फिल्म का नाम वही रखा गया। ओरिजिनल फिल्म में जिस कहानी को दर्शाया गया था कि वो इस तरह की, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में गायक बेजू ने अकबर के नौ रत्न के माहिर गायक तानसेन को जोड़े में गाने की चुनौती दी थी, क्योंकि बेजू तानसेन को अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार मानते थे। अब इस फिल्म के रीमेक की कहानी कितनी लाजवाब होगी, ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चल सकेगा। वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट फिलहाल संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग में बिजी हैं। यह फिल्म सितंबर 2020 में रिलीज होगी। यह पहली बार है कि आलिया संजय के साथ काम कर रही हैं। दूसरी तरफ रणवीर संजय के साथ पहले ही 3 सुपरहिट फिल्म्स में काम कर चुके हैं, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत। इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तारीफें भी बटोरी थी। फिलहाल रणवीर अपनी फिल्म 83 के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस के चलते रुकी हुई है। साथ ही रणवीर जयेश भाई जोरदार में एक गुजराती किरदार में नजर आएंगे।